ओके सो हेलो एवरीवन, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आज का होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक रिक्वेस्ट आप सबसे हर बार होती है कि यार सब्सक्राइब कर दिया करो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल पे सेट कर दिया करो, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे एंड आप अपडेटेड रहो अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के कि कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या नहीं है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये सब चीज़ों के बारे में। आगे बढ़ते हैं वीडियो में एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो कंपनीज़ के बारे में। दोनों कंपनीज़ ही पेंट सेक्टर की है, दोनों कंपनीज ही स्मॉल कैप है, दोनों कंपनीज में ही अपॉर्चुनिटी है और दोनों कंपनीज ही अपने सपोर्ट पे बैठी हुई है, सपोर्ट पे रुकी हुई है। आगे बढ़ेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करते हैं, इंडिगो पेंट्स के बारे में बात करेंगे। मार्केट कैप की बात करें तो 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, मैंने लिख भी दिया है थंबनेल पे कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न ज़्यादा ही बनेगा। और यहाँ पे अगर मैं कुछ इसके फंडामेंटल्स के ऊपर चलूँ, क्योंकि बिजनेस आपको पता होगा पेंट सेक्टर में कंपनी काम करती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेल्स ग्रोथ यहाँ पे TTM का 16%, 3 साल का 20%, 5 साल का 21%, मतलब आप समझ सकते हो एवरेजली एवरेजली 20-21% के आसपास सेल्स ग्रोथ कंपनी कर लेती है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की काफ़ी अच्छी है, सेल्स ग्रोथ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ती है। 3 साल का 40% है, 5 साल का 102% है, TTM का 55% है, प्रॉफिट ग्रोथ का परसेंटेज बहुत बहुत अच्छा है। ROE के बारे में अगर बात करें तो 17-18% का ROE कंपनी निकाल लेती है। तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज आपको यहाँ पे फंडामेंटल्स में देखने मिल रहा है। बाकी बैलेंस शीट आप एक बार पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पे मैं मेन पॉइंट्स आपको बता दूँ, बोरिंग्स कंपनी के पास बिल्कुल भी नहीं है, ये 12 करोड़ जो है ये लीज लाइबिलिटीज है, बोरिंग्स कंपनी के पास बिल्कुल नहीं है। रिजर्व्स आप देख सकते हो 729 करोड़ के रिजर्व्स हैं। यहीं पे आते हैं इन्वेस्टर्स पे, तो ये भी पॉज करके आप देख सकते हो। यहाँ पे 35% जो है आपको पब्लिक का शेयर होल्डिंग दिख रहा होगा, अगर आप इसे देखोगे तो इस पे आप देख सकते हो 13 और 12 को प्लस करो 25, तो 35 में से 25% तो HNI के पास है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर के पास बचा सिर्फ और सिर्फ 10%। मैं हमेशा कहता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर के पास जितना कम शेयर होल्डिंग हो उतनी ही अच्छी बात होती है, तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छा है। अगर बात करो इसके अपॉर्चुनिटी के बारे में तो टेक्निकल्स में आप देख सकते हो स्टॉक काफ़ी गिरा था, यहाँ से जो है एक रिवर्सल आ गया और रिवर्सल आने के बाद ये कहीं पर कुछ खास रुका नहीं, मतलब कहीं पर ये थोड़ा रुक रुक के चलना या फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना ऐसा हुआ नहीं। रिवर्सल जैसे ही आया, जैसे ही पलटा यहाँ से, वैसे ही जो है एक रफ्तार में ये सीधा ऊपर जाने लगा, तो कुछ कुछ खास अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिला नहीं मैं कह सकता हूं इन्वेस्टर्स को। यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे स्टॉक बीच में फंसा था, यहां पे स्टॉक बीच में फंसा तो यहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसके बाद स्टॉक ऊपर भी गया था लेकिन सस्टेन नहीं किया, वापस से जो है घूम करके स्टॉक नीचे आया। नीचे आने के बाद उसी जोन पे जहां पे इसने कंसोलिडेट किया था, आप देख सकते हो मैं जूम कर देता हूँ, जहां पे इसने कंसोलिडेट किया था उसी जगह पे ये वापस से आ चुका है एंड इस बार यहाँ पे जो है 200 डेज का मूविंग एवरेज भी है। तो दो पॉइंट्स है जो अपॉर्चुनिटी बना के देती है, पहला कंसोलिडेशन जो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, दूसरा यहाँ पे 200 डेज का EMA जो कि एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो दोनों ही कंडीशंस काफी अच्छी हैं एंड इसी वजह से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन करके इसमें आती है। अब सवाल ये आता है कि यार कल क्या होगा, क्योंकि अगर आप क्रूड के प्राइसेस देखोगे, मतलब कल इन द सेंस अब मार्केट खुलने के बाद, अब आप इस वीडियो को मार्केट खुलने के पहले ही देख रहे हो, 7-8 बजे मैंने तो अपलोड कर दिया ये वीडियो। अब मार्केट जब खुला आज, तो हो सकता है ये स्टॉक्स ज्यादा गिर जाए, थोड़े से ज्यादा रेड नंबर्स में आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि क्रूड का प्राइस आज के टाइम पे, आप क्रूड क्रूड देखोगे संडे इस टाइम पे, तो अराउंड 6% के आसपास क्रूड अप है, 6% ऊपर है। तो इस वजह से हो सकता है कि पेंट कंपनीज में जो जिसका जो रॉ मटेरियल है वो ऑयल है, ठीक है, उस पे अफेक्ट हो। तो इसी वजह से मैं पहले ही बता देता हूँ, एक अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल जाएगी अगर ये थोड़ा सा गिर करके यहाँ तक आ गया, 1400 के थोड़ा ऊपर, मतलब यहाँ पे मान के चलते कितना लेवल है ये, 1410 के आसपास अगर आ गया, 1408 1410, तो फायदा हो जाएगा आपको, थोड़ा सा और नीचे आप खरीद सकते हो। बाकी इसको ब्रेक करने का चांसेस बहुत कम मुझे लगता है, ये लेवल जो ब्रेक हो जाए इसका चांस बहुत कम लगता है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, 200 डेज का मूविंग एवरेज भी है और ये लेवल भी है। बाय चांस अगर ब्रेक होता है तो मैंने एक और लेवल यहां पे बनाया हुआ है, बट एज यूजुअल इस पे आने का चांस ना के बराबर ही मैं कह सकता हूं। दूसरी कंपनी जो है वो है सिरका पेंट्स इंडिया, और इस कंपनी में भी अगर आप देखोगे मार्केट कैप इसका बहुत छोटा है, तो आप सीधा समझो जितना छोटा मार्केट कैप उतना ज्यादा रिस्क, उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न्स।
तो इस कंपनी को थोड़ा देखते हैं, अगर आ जाते हैं इसके, कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा अलग है। कंपनी जो है हाई क्वालिटी के पेंट्स, डेकोरेटिव पेंट्स, वॉल पेंट्स, वुड कोटिंग्स, मेटल कोटिंग्स, ग्लास कोटिंग्स, ये सब कंपनी सेल करती है। थोड़ा हाई क्वालिटी का जो है आप कह सकते हो पेंट्स कंपनी सेल करती है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई क्वालिटी का ही सेल करती है, हाई क्वालिटी का भी सेल करती है और नॉर्मल क्वालिटी का भी सेल करती है। तो बस इतना सा ही अंतर है इसके बिजनेस में। अगर चले इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है आपको 3 साल का जो है 25% का सेल्स ग्रोथ देखने मिल रहा है, TTM का 22% का। तो सेल्स ग्रोथ मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखोगे तो जितना सेल्स ग्रोथ है लगभग उतना ही प्रॉफिट ग्रोथ है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बॉटम लाइन ज्यादा बढ़ता है, टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों ही लगभग सेम है। प्रॉफिट ग्रोथ इसमें हल्का सा कम है, बट सेल्स ग्रोथ इसमें परफेक्ट है, अच्छा लगा मुझे। और अगर आरओई की बात करें तो आरओई कंपनी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। 3 साल का आरओई 14% था, अब बढ़ा करके वो आरओई जो है लास्ट ईयर 19% तक ला दिया गया है। अगर आप देखोगे तो पहले इनका मार्जिन भी काफी कम था 2022 में, 21 में तो खैर चलो कोरोना था, 2022 में 19% था। अभी वो मार्जिन वापस से पहले की तरह 23% हो चुका है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अगर इसके बैलेंस शीट पे चलते हैं, एब्सोल्युटली जीरो बोरिंग्स कंपनी, जीरो डेट कंपनी है, बहुत अच्छी बात है। अगर चलते हैं इसके इन्वेस्टर्स पे, तो देख सकते हो यहाँ पे 26% का आपको पब्लिक होल्डिंग देखने मिलेगा। 26 में से आप यहाँ पे 3, 3, 6, 7 आप माइनस कर दो, लगभग 18-19%, 18-19% का यहाँ पे आपको FII कह रहा हूँ, सॉरी, रिटेल इन्वेस्टर FII, तो यहाँ पे 5% है, 6%, लेकिन यहाँ पे लगभग 18% आपको रिटेल इन्वेस्टर्स देखने मिलेंगे, जो कि कम है। हाँ, कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे तो इंडिगो पेंट से ज्यादा है, बट ऐसे यूजुअली कम है। 18% की रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग कम होती है, और जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग कम, वो स्टॉक मुझे अच्छा लगता है। आगे कुछ अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। तो देख सकते हो स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई टच कर चुका था, टच करके नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे ये फंसता हुआ दिख रहा है। और क्या यहाँ पे कोई लॉजिक बनता है फंसने का? बिल्कुल बनता है। पहले देखो, पहला जो ऑल टाइम हाई था इसका, इसके पहले जो ऑल टाइम हाई था वो इसी जगह पे था जहां से अब ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। एक बार इसने सपोर्ट लिया भी है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है, और एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश हो रही है। इसके नीचे मैंने एक लाइन ये बनाया हुआ है, एक जोन ये बनाया हुआ है, इसके नीचे मैंने ये भी बनाया हुआ है, बट आप इसे इग्नोर करो क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक यहां तक आएगा। आएगा तो मैंने बना दिया है, बट मुझे ना के बराबर चांसेस लगते हैं। आगे अगर हम बात करें तो हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि कल जो है, हो सकता है कि पेंट सेक्टर के कंपनीज गिरे। मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूं, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, पहली ही बात आप ये समझ लो, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बट अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि ये जो 386 पे भी ट्रेड कर रहा है, हो सकता है कल को आपको इस लेवल के आसपास मिल जाए, क्योंकि यहाँ तक मिलना तो बहुत मुश्किल है एक दिन में ही। बट हाँ, हो सकता है कि थोड़ा आपको नीचे मिल जाए कल, यहाँ तक इस लेवल तक अगर आ जाता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसने भी पहले काफ़ी रेजिस्टेंस लिया हुआ है और बाद में इसने सपोर्ट भी लिया हुआ है यहाँ पे। तो हो सकता है यहाँ पे आने के बाद एक सपोर्ट इसे मिले। बाकी अगर ये लेवल टूटता है, ब्लू वाला लाइन टूटता है, तो एक ये लेवल है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग। क्यों है ऐसा, इसका रीजन क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले क्या होता था, पहले होता था यहाँ पे रेजिस्टेंस, उसके बाद होने लगा यहाँ पे सपोर्ट, तो ये जो है इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है। तो ये थी इसकी पूरी कहानी, होप आपको समझ में आई होगी। और इसके साथ मैंने जो है सिरका पेंट्स के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, पहले जो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे, आप नॉर्मली सर्च भी कर सकते हो, यंग स्क्रीनर सिरका पेंट्स। बाकी आई बटन पे जो है, आई बटन पे आपको कुछ लिंक्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसके साथ वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको सिरका पेंट्स के बारे में डिटेल में जानना है, उसका डिटेल्ड बिजनेस मॉडल जानना है, फंडामेंटल जानना है, तो आप जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हो। बाकी इंडिगो पेंट्स के ऊपर मैंने बनाया नहीं है, अब देखते हैं आगे। मैंने कुछ सोचा हुआ है कि कुछ मेंबर कम्युनिटी इंट्रोड्यूस करा जाए, देखते हैं। अब तो यार मैंने फिलहाल ही कंटेंट चेंज किया हुआ है, तो इतना जल्दी सब कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो ठीक है यार, जो भी हो, दोनों ही जो मैंने आपको डिस्कस किया, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से मैंने स्टॉक्स डिस्कस किए हुए हैं, किसी भी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप बिल्कुल ये मत समझना कि रिकमेंडेशन है, टिप है, कॉल है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और इन्हीं सब के साथ एंड करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, ये सब काम कर देना। और इसके साथ ही यार आप बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।